आप करें तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, कुछ यही बात बीजेपी इस समय कांग्रेस से पूछ रही है। जी हाँ, वैसे तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी अंबानी और अडानी पर निशाना साधती रहती है। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं, और बीजेपी पर इनके हाथों में देश को बेचने का आरोप लगाती है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अडानी एक साथ बैठे हैं। दोनों एक दूसरे के बगल में काफी करीब हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। ये तस्वीर इन्वेस्टर समिट की है जिसमें अडानी भी पहुंचे हैं, और अडानी ने राजस्थान में बड़े निवेश का ऐलान भी किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वही कांग्रेस जिसके निशाने पर अडानी रहते हैं। अडानी अमीर व्यक्तियों में दूसरे नंबर पे हैं। इस पर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने मिलकर अडानी को अमीर बनाया है। इस बीच मजा तो तब आया जब आरोप लगाने वाली कांग्रेस के ही एक नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से अडानी को दुनिया में दूसरे नंबर पर अमीर बनने की बधाई दी। और जब इतना हो ही गया तो बीजेपी को एक मौका मिल गया है पूछने का कि आप करें तो लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। देखिए बीजेपी ने ट्वीट करके क्या लिखा है। इसमें सबसे ज्यादा मजेदार ट्वीट तो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया का है। पूनिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, कल तक जो था विरोधी आज बना मनमीत, धन की जगी उम्मीद तो बदली अपनी रीत। अब चलिए आपको बता देते हैं कि इन्वेस्टर समिट में जब गौतम अडानी आए ही थे तो उन्होंने क्या यहाँ पर आकर ऐलान किया, क्या कुछ उन्होंने किया। इन्होंने राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 से 7 साल में उनकी कंपनी राजस्थान में करीब 65,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही है। अडानी ने उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम और 2 मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की है। तो ये है सियासत का असली चेहरा। हमारे राजनेता दूसरे नेताओं में गलती खोज लेते हैं लेकिन हजार कमियों के बाद भी अपने दामन को पाक साफ बताते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और आपका क्या सोचना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए एबीपी लाइव।